मसीह यीशु के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सब व्यूअर्स को एक बार खुशामदीद कहता हूँ शो ऑफ टेस्टिमनी के इस प्रोग्राम में, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहते हैं। इस बार फिर हम एक नई जिंदा गवाही के साथ आपके सामने पेश हुए। उसी में जैसे गवाहियों से दो काम होते हैं, इंसान दलेर हो जाता है और जो कोई उसकी गवाही सुनता है वो भी ईमान में मजबूत हो जाता है। आज हम ऐसी ही गवाही आपके सामने लेके आए हैं। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ बने रहिए और गवाही को पूरा सुनिए। आज हमारे साथ पीटर जॉनी खोखर है, जिनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान कराची से है, और वो यहाँ पे सेंट पीटर एंड पॉल कैथोलिक चर्च में एल्डर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए हम मिलते हैं पीटर जॉनी खोखर से। पीटर जॉनी खोखर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं शो ऑफ टेस्टिमनी के इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच यासर भाई, आप लोगों ने मुझे आज बुलाया और आप लोगों ने वक्त निकाला मेरे लिए और मुझे वक्त दिया और मैं अपनी गवाही आप सब लोगों को दे सकूं। तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम कबूल। पीटर भाई, आप यहाँ पे मौजूद हो तो हम चाहते हैं कि आप अपनी खिदमत बताएं, बोलते ओमान में आप क्या क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं यासर भाई खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र कि मैं यहाँ यहाँ पर मस्कत उमान में हूँ। मैं मेरा जो चर्च है वो कैथी चर्च है, सेंट पीटर एंड पॉल एंड कैथी चर्च से हूँ मैं यहाँ पे, और मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने चर्च की खिदमत भी कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप अपने बाकी फारिक वक्त में जो है आप अपने चर्च की सारी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते हैं कैथोलिक चर्च की। जी, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आप इस उम्र में भी आप जोश से भरे हैं खुदा उनके कामों के लिए, मैं शुक्र अदा करता हूँ। पीटर भी, मैं चाहता हूँ आप अपनी जिंदगी की गवाहियों को जो है हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें ताकि सुनने वालों का ईमान मजबूत हो, वो भी तकवीयत पाए। जैसे भाई मैं 28 साल मैं दुबई में था, 28 साल 20 इयर्स, और मैं जी हाँ, और मैं वहाँ पे दुबई पोर्ट पे था। मैं वहाँ पे 18 साल मैंने गवर्नमेंट में काम किया वहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब। जी दुबई पोर्ट पे था मैं वहाँ पे, और एज ए मैं वहाँ पे कार्गो डिपार्टमेंट में काम करता था मैं। उसके बाद फिर मैं वहाँ पर भी सेंट मैरी कैथलिक चर्च में था, वहाँ पर भी मैंने यही खिदमत अपनी की, अपना काम के बाद फिर अपना चर्च में जितने भी काम हुआ करते थे मैं दिलो जान से, वहाँ पर भी मेरी यही खिदमत थी मेरी। तो मुल्क ओमान में आप कब जो है वो आए और मुल्क ओमान में कब आपने मतलब यहाँ पे किस ईयर में आपने यहाँ पे ज्वाइन किया? मुझे अपना जैसे भाई मुझे यहाँ पे अभी आए हुए 1 साल 4 महीने मुझे हो गए यहाँ पे मस्कत ओमान में, और मैं विजिट विजिट पर यहाँ पर आया हुआ था, और मैं खुदाओं को हर चीज़ अपनी जो खुदाओं के आगे रखी हुई थी कि मैंने यहाँ पे क्या करना, मेरे खुदाओं तेरी मर्जी हो, खुदाओं आपकी मर्जी हो। तो मैं परेशान हूँ कि इस उम्र में जिस उम्र में आप मुल्क ओमान में आए, ये तो उम्र जो है रिटायरमेंट देने की उम्र है, और मैं समझता हूँ कि आप किस वजूहत से जो है मुल्क ओमान में आए? बस कुछ घर के जो थे बच्चे, बच्चों की सारी स्टडी भी चल रही है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं बच्चे, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के हालात आप भी जानते हैं, मैंने बहुत वहाँ पे कोशिश की सेटल होने के लिए मगर वो वहाँ पर बस नहीं सेटल हो सका। फिर मैं वापस मैंने यहाँ पे ट्राई की अपने वीज़े के लिए, तो खुदा ने मेरे वीज़े का बंदोबस्त किया और मैं मस्कत ओमान में यहाँ पे आया। मैं मस्कत ओमान में जी, मस्कत ओमान में अभी आप किस मतलब जगह पे क्या कर रहे हैं आप? मैं सबसे पहले तो मैं विलियम जॉन का मैं थैंक यू अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। खुदाउंद विलियम जॉन को बहुत ज़्यादा बरकत है जिन्होंने मैं उनके वसीले से आज मैं यहाँ पर मस्कत ओमान में उनके वसीले से यहाँ पर आज मैं स्टैंड बाय खड़ा हूँ मैं, और मैं आज उनके साथ अपना काम कर रहा हूँ और खुदाउंद का शुक्र है, और मुझे बहुत खुशी खुदाउंद ने मेरे साथ बड़े बड़े काम किए। और जब मैं आया था तो मैं बिल्कुल बहुत परेशान और मैं ज़ीरो था, बड़ा बहुत ज़्यादा परेशान था मैं, तो खुदा ने फिर मेरी ज़िंदगी में एक नए तरीके से जो काम किया वो बड़े अच्छे वसीले बनाए, तो वो उसमें विलियम जॉन का उसमें काफ़ी हाथ है। जी, आप जैसे कि मुझे बता रहे थे कि जब आप मुल्क ओमान में एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आपके पास सिर्फ 200 पैसे थे। जी जब मैं, हाँ ये बड़ी आपने अच्छी बात बोली, मैं जब आया तो मेरी जेब में 200 पैसा था यहाँ का। मैं बोला मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है, मुझे तो मालूम नहीं है। बहरहाल मेरे टेलीफोन एक मेरे दोस्त का था, उसका नाम सुहेल चाह से, वो भी दुबई में मेरे साथ था, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला सुहेल भाई मैं तो यहाँ पर आ गया, मेरा नंबर आपका मेरे पास है। बोलता पीटर भाई आप आ गए? बोलता हाँ। तो बोला अच्छा चलो यार मैं आपको आता हूँ लेने के लिए एयरपोर्ट पे।
मैं बड़ा खुश मैं खुदा हूँ तेरे नाम को जो तो जलाल मिली जब बंदे इससे पहले मतलब अब उनके उमान में कुछ भी नहीं किसी को भी नहीं जानता कहाँ जा रहे हैं कुछ उमान किस तरह कुछ भी नहीं मानता मुझे मैंने बोला उमान में किस वजूहत से आगे क्या किसी को जानते किसी को भी नहीं बस ये मालूम कि मस्कत उमान में जाना मैंने अपने वहां पे जाके सेटल होना बस खुदा बस मेरे साथ है ये मेरा ईमान था। अच्छा ये आपका ईमान था कि खुदावंद आपके साथ है आप उस ईमान को लेके जो है यहाँ मुल्क ओमान में आए प्रेज द लॉर्ड। और अभी आप मुझे बताएं कि मतलब आप कैसा फील करते हैं अभी आप काम कर रहे हैं और मैं बहुत यहाँ पे खुश हूँ और मस्कत ओमान बहुत खूबसूरत है मस्कत ओमान जो है बिल्कुल मतलब कि ठीक है बहुत अच्छा है और सुकून की जिंदगी है अपना और ठीक है मेरे ख्याल में ओके बस मैं खुश हूँ अपने छोटे जो छोटा मोटा जो काम करूँ मैं हैप्पी हूँ उसके बाद चर्च की जो खिदमत है वो करूँ तो खुदा का शुक्र हो और खुदा तो आप सबको बड़ी बरकत दे जो आपने ये ऐसे भी ये छोटा सा जो चैनल आपने चलाया मैं बहुत मैं खुश हूँ जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो मैं देखता हूँ मैं आपको जानता हूँ और इसमें आपकी भी बड़ी बहुत हाथ है मेरे साथ आपने मेरे साथ बड़े ताउन की जब मैं विजिट विजिट पे आया था आपका भी बड़ा इसमें हाथ है ये आपने मुझे अपने पास रखा और आपने नबूवत की ये पीटर साहब मैं ये कहता हूँ कि ये खुदावन की मोहब्बत है जो हमें आपस में जोड़े रखती है और जो मसीह है हम उसके प्यार की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो ये मसीह की मोहब्बत है ये हमारा काम है कि हम हर किसी को जो है खुदावन की मोहब्बत से जो है वो वेलकम कहते हैं। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ मिस्टर जॉनी पीटर जॉनी यहाँ पे मौजूद हैं इनकी जिंदगी की गवाही है कि ये यहाँ पे जब आए थे ये जीरो बिल्कुल मतलब 200 पैसा लेकर ये मुल्क ओमान के एयरपोर्ट पे मौजूद थे और इनको कुछ पता नहीं था आगे इनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। और जिस तरह ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया उन्होंने इसे क्लिक किया और फिर खुदावंद ने इन्हें जो है यहाँ पर बिल्कुल सेटल किया और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ। खुदावन का वादा है जहां तू ईमान से कदम बढ़ाएगा मैं तेरे साथ हूं और जिस जमीन पर तेरे पांव का तलवा टिकेगा मैं उसको तेरे लिए मुबारक करूंगा। तो खुदावन ने पीटर जॉनी के लिए इस जमीन को मुल्क ओमान को जो है वो मुबारक किया है और आज ये यहां पर अपना बिजनेस कर रहे हैं विलियम जॉन के साथ मिलकर। और आइए हम बढ़ते हैं पीटर जॉनी खोखर की तरफ। जी पीटर भाई मैं चाहता हूँ कि आप ठीक है अपनी जिंदगी की और कुछ गवाहियों को जो है वो व्यूअर्स के सामने जो है वो पेश करें। बस मैं यही कहूंगा कि आप जितने भी जो सुनने वाले हैं बस आप लोग मैं काफी कंट्री में रह के आया मैं तो खुदा का शुक्र है जहां जहां मैं गया हमेशा मैंने ऐसे भाई मैंने खुदा को आगे रखा। मैं जापान में भी काफी वक्त निकाला कोरिया में हांगकांग में बैंकॉक में तो यकीन करें कि मैंने हर दफा हर सोच हर दिल मेरा यीशु के साथ ही था कि यीशु तू मेरे आगे आगे और मैं तेरे पीछे पीछे मैं जहां भी आऊं मुझे खुदा ने मेरे साथ ही था। जापान में भी मैं बड़ा कामयाब था कोरिया में भी तो सबसे जहां जहां मैं जाता हूँ तो खुदा का शुक्र है मेरा ईमान। अच्छा तो मतलब कोरिया में जब आप गए तो तब कोरिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोरिया का भी बस खुदा का शुक्र है मैं वहां पर भी 6 महीने में वहां पर भी रह के आया मैं और जापान में भी मैं 2.5 साल वहाँ भी मैंने गुजारा वहाँ पर भी बड़े अच्छे लोग वहाँ भी इस तरह से चर्च में खिदमत और मतलब आप जहाँ भी जाते हैं आप सबसे पहले चर्च ढूंढते हैं और चर्च के लोगों से मिलना बस ये मेरी मोहब्बत है मैंने अपने लोगों से मिलना जो खुदाओं के लोग हैं और उनसे मेरा मैं मिलूं और मैं उनसे अपनी रूहानी जिंदगी में ज्यादातर मैं उनके साथ में गुजार सकूं। व्यूअर्स मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ गैर मुल्क में जो है सिर्फ एक चर्च ऐसी जगह है जहां पे आपको सुकून मिल सकता है जहां आपको हेल्प मिल सकती है। तो मैं हमेशा अपने यंग यूथ के जवानों को भी ये कहता हूं कि जहां पे भी रहो चर्च के साथ मिले रहो फेलोशिप में रहो ताकि आप जो है वो दिन ब दिन जो है फेलोशिप के जरिए बदलते जाए तब्दील होते जाए। और चर्च एक ऐसा मकाम है चर्च एक ऐसी जगह है जो गाये बगाए आपकी बहुत जगहों पे हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप अपने चर्च में जाके बता सकते हैं वहाँ पे जो मौजूद ईमानदार भाई हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं और आप इसी तरह जिंदगी में अपने आप को तब्दील भी कर सकते हैं। तो हमेशा चर्च और चर्च की फेलोशिप में बने रहिए। आइए हम पीटर जॉनी खोखर की तरफ बढ़ते हैं। पीटर साहब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप हमारी यंग यूथ को कोई मैसेज दें
मैं जितने भी जो यंग यूथ हैं उनका मैं ये जरूर मैं कहूंगा कि आप हमेशा अपने खुदाओं को आगे रखें, जो भी काम करते हैं खुदाओं को आगे रखें, और जब भी कोई काम शुरू करना है और कारोबार की तरफ अपने आप को बढ़ाएं, और बस हर कदम यीशु के साथ चलें, यीशु से मांगें, आप बस यीशु को आप आगे रखें, उसके पीछे पीछे सोन तेरे पीछे पीछे तू हमारे आगे, और यीशु हमारी मदद करता है, ये मेरा ईमान है। और जितने भी जो यंग लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि हर वक्त यीशु से आगे, जैसे वो यशवा सातवां यशवा पहला बाप और उसका सात और आठ हद में लिखा है कि शेर की ये किताब तेरे मुंह से बल्कि दिन और रात तुझे, वो ये हकीकत है यार। या सिर्फ जब हम खुदा के कलाम को डेली पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर पाक कलाम के लिखा उसमें कि तू फिर खूब कामयाब होगा, ये मेरे तजर्बा है, ये मेरा और ऐसे ही है। और मैं जब भी मैं सात और आठ हद में पढ़ता हूँ, अपने दिमाग के अंदर रखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो वाकई में हकीकत है कि यीशु की ये किताब हर वक्त हमारे साथ बोलता है, फिर ही तुझे अकलमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो मैं जितने भी जो मेरी ये आवाज़ को जो सुनते हैं यंग लोग, यंग जो यूथ है, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि यशवा पहला बाप सात और उसकी आठ हद में लिखा हुआ है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना उठे बल्कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान हो, फिर तू खूब कामयाब होगा, जहां जहां तू जाएगा खुदावन तेरे साथ रहेगा। और ये ऐसा ही है यासिर भाई, मैं आपको एक और अपनी बड़ी अच्छी गवाही बता दूं जापान की। जी जी प्लीज प्लीज। मैं जब जापान में गया, दुबई से मैं श्रीलंका में मैं तो दो दिन तीन चार दिन रुका, मैं श्रीलंका से फिर मैं सिंगापुर और सिंगापुर से फिर मैं जापान, ट्रांजिट फ्लाइट, हाँ मैं दो तीन चार दिन वहां रुका, उसके बाद फिर सिंगापुर से फिर मैं जापान चला गया। तो अब जापान का भी मुझे मालूम नहीं मैंने किसके पास जाना है, कुछ मुझे मालूम नहीं, ये पता है कि जापान में मैं जा रहा हूँ काम के लिए, खुदा मेरे साथ है, ये मेरा ईमान था वहां पर भी। तो जैसे ही मैं जापान उतरा, मैं नारिता एयरपोर्ट पे उतरा, मैं तो अब मैं जब नारिता थोड़ा उस टाइम मैं यंग भी था, थोड़ा बचपना भी था, तो जैसे मैंने देखा तो वो एकदम से जैसे मैं यहाँ पे जन्नत में आ गया, इतना खूबसूरत जापान, ये 89 की बात है। तो देखा तो एकदम से भाई वो बहुत जबरदस्त, और मैं बड़ा खुदाउन तेरा शुक्र, उस टाइम भी मैं बस हर टाइम दुआ में रहना और सारे देखना महाराज जी। जैसे मैं 89 में आपकी एज क्या होगी? 89 में तकरीबन मैं था 22 साल, इससे ज्यादा नहीं, 22-23 साल का था मैं वहां पे निकला वहां से। मैं फिर मैं जैसे मैं जापान पहुंचा तो मैं एप्लीकेशन में जैसे पहुंचा मैं, तो उन्होंने बोला भाई आप यहाँ पे कैसे आए? मैंने बोला मैं यहाँ पे विजिट पे आऊंगा नहीं वन वीक। तो बोला आप कहाँ पे काम करते? मैंने बोला मैं दुबई में काम करता हूँ, आई भी उन मेरी छुट्टियां, तो मैं यहाँ पे छुट्टी के लिए आया, ओनली वन वीक। तो वो निकल बोलता है ओके, बोला तेरे पास बुकिंग है होटल की? मैं बोला ऐसा है, बुकिंग है मेरे पास, उनके मैंने अपने होटल की बुकिंग बता दी। उसने बोला ओके ठीक है। उसने मेरा यकीन करें, उस जमाने में भी ऐसा भाई वहां पर वीजा लगता था वो 15 दिन का 20 दिन का, तो इमिग्रेशन ने मेरा वीजा लगाया 3 मंथ का लगा दिया, 3 मंथ का वीजा मेरा एयरपोर्ट पर लगा दिया। फिर जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो बाहर मैं बस में चला गया, बस में बसें भी थी ट्रेन भी थी, तो मैं बस में बैठ गया, मुझे जाना था टोक्यो में चला गया बैठने। जैसे मैं बस में बैठा हूँ तो उस जमाने में कुछ यंग भी थे, कुछ इतना मालूम भी नहीं थी, तो मैं बिल्कुल फ्रंट सीट और पीछे बैठा, तो आगे देखा तो फोन लगा हुआ है। तो मैंने बोला यार ये टेलीफोन की तार बहुत लंबी है यार, तो खत्म नहीं हो रही यार, ये तो अच्छा ये टेलीफोन लगा हुआ है। मैं बड़ा हैरान यार ये क्या मसला है यहाँ पे यार, बड़ी तार इसकी लंबी। खैर मैं सब ठीक है, पर जैसे मैं वहां बस में बैठा तो टोक्यो आ गया, टोक्यो से मैं सीधा अपने होटल में चला गया। तो दूसरे दिन एक रात वहां रुका, दूसरे दिन मैं वहां से, मैंने कहाँ जाना बस ये पता था कि मैं अभी टोक्यो में आ गया हूँ। मैं टोक्यो में निकला तो हाथ में मेरे एक हाथ में होटल में रुका मैं, उसके बाद सुबह सुबह मैं वहां से होटल को मैंने मूव किया और मैं चला वहां से। जैसे गया तो आगे मुझे 3-4 लोग मिले पाकिस्तानी लोग, उन्होंने सलवार कमीज पहना हुआ था, सिंधी टोपी पहनी थी, मुझे अभी तक याद है उनकी। तो मैंने बोला साईं सलाम अलैकुम, बोला वालेकुम साईं मैं यहाँ पर हूँ काम के लिए, मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने मुझे बोला कि हम तो खुद वापटा के साईं आदमी हैं, हम तो यहाँ पे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हमें तो नहीं पता है। मैं बोला अच्छा खुदाउन तेरी मर्जी है। मैं दुआ करके फिर दिल में दुआ की, मैंने अपना फिर हैंडबैग उठाया, सीधा ट्रेन में मैं बैठ गया, वहां पे ट्रेन का सामने था, मैं ट्रेन में बैठ गया खुदाउन से दुआ करते हुए। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब आप इतने क्वाइट यंग थे तब भी आप खुदाउन के साथ, ये मेरी जिंदगी में मैंने कहा तू मेरे साथ है। दुआ करते करते मैं ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन में जैसा बैठा तो सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का टाइम हो चुका था, तो बारह जैसे बैठा तो 2-4 स्टेशन जैसे ही गुजरे तो एक आदमी वो ट्रेन में चढ़ा, तो वो मेरे सामने बैठा हुआ था, आके बैठ गया वो। अब मुझे वादन की बात याद आ रही कि बेटर जब पानी पीना तो आपने खुद मटके के पास जाना है।
मैं बोला अच्छा मुझे तो उसकी जरूरत है यार, आदमी देखूं क्या है। मैं उसके उठा, मैंने यूं किया तो उसने बोला ओके, तो मैं उसके पास जाके बैठ गया। तो मैंने बोला सर मैं, बोलता जी कैसे हो, ठीक है जी, बोलता कहाँ से आए। मैंने बोला जी मैं दुबई से आया हूँ। बोलता अच्छा तो कैसे आए। मैंने बोला जी मैं यहाँ पे काम के लिए, मुझे नहीं मालूम ये कौन है या मैं कौन हूँ। तो मैंने सारी सच्ची उसको बात अपनी बता दी। तो बोलता आपका नाम क्या है। मैंने बोला जी मेरा नाम पीटर धोनी खोखर है। बोलता अच्छा। उसने अपनी ना थोड़ा वो यूं टर्न हो गया मेरी तरफ। तो उसने क्या किया आपको पता ना, वो लड़के आदमी लोग को यूं करके वो ग्रीन सा लिखते हैं, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाथों पे एक हाथों टैटू छोटा सा, पे नेम जी हाँ जी नेम हाँ जी हाँ स्पेलिंग का। वो लिखते हैं। उसने वो उठा के यूं कर दिया। तो वो उसने मुझे यूं दिखाया, बोलता जी मैं तो महमूद खोखर हूँ और आप खोखर तो मैं भी मतलब खोखर हूँ। आपकी हाँ कास्ट का पता हमारे साथ मिल गया। उधर मैं बोला खुदावन तेरा शुक्र है, बोला भी मैं तेरा भाई हूँ बड़ा भी, बस समझ के बस। तो मैं बोला तू मेरे कैसे, तूने मेरे कहा। तो बताने का मतलब यही असल कि खुदा किस तरह से उस जमाने भी मेरे साथ था मेरे। तो ये बता रहा हूँ कि वो फिर मतलब शख्स, खुदावन ने हाँ हमेशा आपकी मदद मेरी की, मदद हमेशा की, आपके साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने उस शख्स ने मुझे महमूद खोखर साहब ने फिर मुझे वो सीधा अपने घर पे ले गया। टोक्यो से आगे मनावी यूनियन एक शहर था, तो मुझे अपने वो घर पे ले गया। तो फिर उसने बोला 2 दिन आप आराम करो। तो तीसरे दिन में मुझे फिर वटाची कंपनी में उसने मुझे काम पे भी प्रेज द लगा दिया। लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। तो कहने का मतलब ये कि हमेशा जब खुदावंद को हम आगे आपने रखते मिलियन हैं, यूथ को ये मैसेज हाँ देता है कि मैं खुदावन के बिल्कुल साथ। खुदाओं के, मैं यही कह रहा हूँ जैसे आपको मैंने पहले बताया कि यीशु का जो पहला बाप और साथ रहा थे और ऐसे ही है। और मेरा ईमान है जब भी वो मैं सफर में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कुछ मसला होता है तो वो अहद मेरे दिमाग में रहती है। खुदाओं जब बस हम प्रेज द ईमान को लॉर्ड, मजबूत करना है तो यीशु भाई ऐसे ही है प्रेज द जी। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लास्ट में हाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए प्रे करें। ओके। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जो था जो है जो आने वाला खुदा, मैं दिल और दिल की गहराइयों से खुदा में शुक्र अदा करता हूँ आज के दिन के लिए। God bless you all. Hallelujah.